दिल्ली में आज अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी थे और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी। दोनों नेताओं के बीच साइडलाइन मुलाकात हुई, यानी दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया लेकिन यूक्रेन वॉर के समाधान को लेकर कोई वार्ता नहीं हुई। बलून विवाद के बाद चीन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने भी दूरी बनाकर रखी, लेकिन भारत और चीन के बीच खाई को इस बैठक में कम करने की कोशिश जरूर की गई। दुनिया में चल रहे महायुद्ध के बीच जब अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों के G20 बैठक के दौरान दिल्ली में आमने सामने होने की खबर आई थी तो दुनिया को लगा था हो सकता है दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो और बर्फ पिघले, वॉर का कोई समाधान निकले। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिका से निकलने से पहले ही साफ कर दिया कि रूस के विदेश मंत्री से दिल्ली में मुलाकात की उनकी कोई योजना नहीं है। जैसा ब्लिंकन ने कहा दिल्ली में वैसा ही हुआ, अमेरिका और रूस के बीच अलग से कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। भारत में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर थी, क्योंकि इस वक्त जिन महाशक्तियों के बीच सबसे ज्यादा तनाव है वो यहाँ पर मौजूद थी। बलून विवाद के बाद अमेरिका और चीन के विदेश मंत्री पहली बार आमने सामने थे तो रूस और यूक्रेन युद्ध के एक साल पूरा होने के बाद रूस और अमेरिका के विदेश मंत्री भी यहां मौजूद थे। इस वक्त लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि इन महाशक्तियों के बीच जमी बर्फ क्या दिल्ली में पिघल पाएगी। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से अलग से मुलाकात करने से परहेज किया। रूस और अमेरिका के नेताओं ने अलग से तो यूक्रेन वॉर पर आपस में कोई बात नहीं की, लेकिन रूस ने मौका मिलते ही पश्चिमी देशों पर निशाना साधने से परहेज नहीं किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि G20 और UN जैसी संस्थाएं ही इस वक्त चल रही जियोपॉलिटिकल समस्याओं को दूर कर सकती हैं। रूस ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को हथियार देकर युद्ध को भड़काने का आरोप लगाया। ब्रिटेन और फ्रांस पर भी रूस ने निशाना साधा। रूस ने आरोप लगाया नेटो देश UN एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं, रूस पर लगाए गए प्रतिबंध अपने हितों को साधने की कोशिश है और इन प्रतिबंधों से दूसरे कई देशों को नुकसान हुआ है। रूस पर प्रतिबंध के कारण कई यूरोपीय देशों में महंगाई भी बढ़ी है। इससे पहले लावरोव ने भी भारत के शांति संदेश का समर्थन करते हुए गांधी के दर्शन के समर्थन की बात कही थी। रूस और अमेरिका के बीच बात नहीं बनी तो अमेरिका और चीन के विदेश मंत्री भी एक दूसरे से नहीं मिले। इससे पहले एंटनी ब्लिंकन का चीन दौरा बलून विवाद के बाद रद्द हो गया था। चीन के बलून गिराने के बाद दोनों देशों के बीच तीखी बहस भी हुई थी। ऐसे में G20 में रिश्ते सामान्य होने की शुरुआत की जा सकती थी, लेकिन दोनों देशों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। इससे अलग भारत ने इस मौके का इस्तेमाल किया। पहली बार भारत के दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री किन गैंग से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अलग से बात की। दुनिया की महाशक्तियों के बीच चल रहे विवाद की अगर हम बात करें तो अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। वहीं एशिया में LAC के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच भी तनाव लगातार बरकरार है। इन सब के बीच चीन के विदेश मंत्री किन गैंग जब भारत पहुंचे तो G20 के अलग हटकर भारत और चीन के विदेश मंत्री के बीच बैठक हुई। इस बैठक में LAC के मुद्दे को लेकर जो बर्फ जमी हुई है रिश्तों में उसे पिघलाने की कोशिश की गई और बॉर्डर पर शांति बरकरार रखने के लिए शांति का प्रयास तेज करने के लिए भी चर्चा हुई। दोनों देशों की बातचीत के एजेंडे में सीमा पर शांति के साथ साथ लगातार बिगड़ रहे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रयासों पर भी चर्चा हुई। गलवान और पेंगोंग जैसे संघर्षों के बाद अभी भी LAC से दोनों देशों की सेनाएं पूरी तरह पीछे नहीं आई हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुलाकात की जानकारी दी। और आइए आपको ये भी सुनाते हैं कि रूस के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कुछ कहा G20 बैठक में। Appreciate highly the responsible and worthy of a great power
stance that India is taking globally on all the key matters of the global agenda. And today, when addressing the participants of the foreign minister meeting, President Modi, I think he presented balanced and responsible position of the country as the president of the G20. And in this address, he was not just speaking about some isolated individual situation, because the West is trying to divide the geopolitical picture into individual episodes. But in the address by Mr. Modi,